Assalamualaikum, hi my foodies, welcome back to my channel. तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक स्पेशल रेसिपी दैट्स फिश बिरयानी एंड आई एम गोइंग टू टेक यू अलॉन्ग विथ मी फॉर सम ग्रोसरी शॉपिंग. फिश बिरयानी के लिए हमें चाहिए 5 मीडियम साइज वाले टमाटर, 5 लार्ज ऑनियंस, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिलीज, पुदीना और करी पत्ता, और ये है जिंजर गार्लिक एंड कोकोनट पीसेस. और इसे हमें क्लीन कर लेना है. मैंने इसे क्लीन कर लिया है. अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे इनटू अ फाइन पेस्ट. तो मैंने यहाँ पर पेस्ट बना लिया है और ये है फ़िश पीसेस. दिस इज़ अराउंड 2.5 to 3 kilos. इस तरह के फ़िश पीसेस का इस्तेमाल किया है मैंने. तो अब हम इसे मैरिनेट करेंगे विथ 4 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑफ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये है 3 बड़े साइज वाले नींबू जिसका मैंने जूस निकाल लिया है. और अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे. और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी सॉल्ट और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है. मैंने यहाँ पर एक थिक सा पेस्ट बना लिया है और अब हम इसे रब कर देंगे ऑन फिशेस. अच्छे से हमें फ़िश पीसेस को अच्छे से मैरिनेट कर लेना है और हमें इसे मैरिनेट करना है अराउंड 1 to 2 hours. जितना समय आप इसे मैरिनेट करेंगे उतना ही इसका टेस्ट एनहांस होगा. तो मैंने फ़िश पीसेस को मैरिनेट कर लिया है और 1 से 2 घंटे बाद मैंने इसे सनफ्लावर ऑयल में फ्राई कर लिया है. दिस टाइम आई एम नॉट यूजिंग कोकोनट ऑयल. तो हमें इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेना है. अगर यू हैव थिन फिश पीसेस, बी केयरफुल वाइल टर्निंग द फिश. तो मैंने दूसरी ओर कढ़ाई रख ली है और उसमें भी मैं फ़िश को फ्राई कर रही हूँ. तो फ़िश पीसेस को फ्राई करने के बाद यहाँ मैंने लिया है एक पतीला जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल, तेज पत्ते, इलायची, लौंग, दालचीनी, ज़ीरा एंड 5 लार्ज ऑनियंस. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इंग्रेडिएंट्स के मेजरमेंट्स दे दूंगी. हमें ऑनियंस को ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है. मैंने इसमें ऐड कर दिया है सॉल्ट ताकि प्याज जल्द से गल जाएं. और जो ऑयल बचा हुआ था जिसमें हमने फ़िश को फ्राई किया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है. और ये है जिंजर गार्लिक एंड कोकोनट पेस्ट. इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है. अच्छे से भूनने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज. दीज आर 4 ग्रीन चिलीज जिसे मैंने चॉप कर लिया है, हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ता, थोड़े कड़ी पत्ते एंड हैंडफुल ऑफ पुदीना लीव्स. गिव इट अ मिक्स. और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी टमाटो पेस्ट. मैंने टमाटर को ब्लेंड कर लिया है.
कुछ देर के लिए इसे पका लें। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 teaspoon ऑफ हल्दी पाउडर, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 1 tablespoon धनिया पाउडर, 1 tablespoon गरम मसाला पाउडर, होममेड गरम मसाला पाउडर एंड 1 tablespoon ज़ीरा पाउडर। गिव इट अ मिक्स, अच्छे से इसे मिक्स कर लें और इसे ढक दें। और ढकने के बाद हम इसे पकाएंगे 10 से 15 मिनट के लिए। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है। दस से पंद्रह मिनट हो चुके हैं, मसाले अच्छे से पक चुका है। आप देख सकते हैं कि साइड में ऑयल रिलीज हो चुका है, इसका मतलब हमारा मसाला तैयार है। तो अब मैं चावलों के लिए पानी रख लूँगी और इसमें मैं ऐड कर दूँगी ऑयल और गरम मसाला, ब्लैक पेपर एंड ज़ीरा और नमक। तो यहाँ मैंने फ़िश ऑयल, जो हमने फ़िश फ्राई किए थे, उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं एक पतीले में थोड़ा सा मसाला निकाल लूँगी, बिकॉज़ हमें लेयर्स करना है इसके। तो मैं थोड़े से मसाले को सेपरेट कर लूँगी और जो बचा हुआ मसाला है उसे इसी पतीले में मैंने छोड़ दिया है। तो पानी बॉईल हो रहा है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। मैंने यहाँ पर 5 cups ऑफ राइस लिए हैं, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और हमें चावलों को 80% होने तक पका लेना है। तो हमारे चावल अच्छे से पक चुके हैं 80%, और अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो मैंने नीचे तवा रख लिया है और उसके ऊपर मैंने रख दिया है पतीला जिसमें मसाला था, और ऊपर से स्प्रेड कर लें चावल। आधे चावल को मैंने स्प्रेड किया है और इसके ऊपर ऐड करें पुदीना लीव्स, ग्रीन चिलीज़ को मैंने तोड़ लिया है, कोरिएंडर लीव्स और घी। I was really lazy that time to use a spoon. और उसके ऊपर मैंने फिर से लगा लिया है मसाला, फिर से चावलों का एक लेयर, अच्छे से स्प्रेड कर लें। फिर से ऐड करें पुदीना, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर लीव्स, ढेर सारा घी, और फिश पीसेस को इसके ऊपर असेंबल कर दें। कवर द लिड और इसे दम पे लगा दें। 5 मिनट बाद मैंने फ़िश पीसेस को निकाल लिए हैं और अब हमें मसाले और चावलों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद विथ अ बैक ऑफ द स्पून इस तरह से हमें होल्स बना लेना है, ताकि जो नीचे का स्टीम है वो ऊपर के चावलों तक अच्छे से स्प्रेड हो जाए और चावल अच्छे से दम हो जाएं। तो नाउ कवर द लिड और इसे हम दम पे लगा देंगे फॉर 15 to 20 minutes। तो चावल हमारे दम हो चुके हैं और हमारी फ़िश बिरयानी तैयार है। मैंने इसे गार्निश किया है विद कोरिएंडर लीव्स। डू ट्राई आउट दिस रेसिपी एंड आई एम श्योर यू आर गोना लव दिस। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ फॉर सम ग्रोसरी शॉपिंग। तो अब हम जाएंगे टू बाय वेजिटेबल्स एंड वी आर ऑन द वे टू आरएमसी मार्केट। बीइंग इन शिमोगा, आई हैव नेवर बीन टू दिस प्लेस एंड माय हस्बैंड टोल्ड मी
The best time to visit this market is early morning. And this is my husband. Here we find varieties of vegetables. Inshallah, we'll share morning time of this market too. And see this little vegetable vendor, the way he's calling his customers. तो हमने ली ढेर सारी वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स लेने के बाद वी वेंट टू आईबैको वन ऑफ द बेस्ट आइसक्रीम पार्लर्स इन माई सिटी दे हैव डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द बेस्ट वंस आर जैक फ्रूट राजभोग एंड ब्लूबेरी चीज केक They have amazing chocolate collections. And I must say, their pastries are the best. We enjoyed this cold weather with a cup of ice cream. Then I came here to this place, this supermarket, to buy some grocery. 3 weeks pehle hi I had done some shopping and again I wanted few items. Aur shopping karna kise acha nahi lagta. To shopping karne ke baad I'm back to my home and now the work begins. और अब मैं लग गई हूँ अपने काम पर असेंबलिंग ऑल द आइटम्स इन फ्रिज एंड इट्स करेक्ट प्लेस तो यहाँ मैं ग्रीन चिलीज़ को स्टोर करूँगी इस तरह से एंड दिस इज़ माय स्मॉल ग्रोसरी शॉपिंग तो यहाँ आप देख सकते हो टू ब्रांड्स ऑफ टी पाउडर रेड लेबल एंड ताजमहल मेरी बहन ने मुझे कहा था कि इन दोनों को मिक्स कर कर चाय बनाने से टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा एंड आई मस्ट से दैट वाज अ बेस्ट टिप सॉरी अ बेस्ट एडवाइस तो उसके बाद मैं लग गई अपने कामों पर असेंबलिंग ऑल द आइटम्स आई हैड बॉट और काफ़ी लेट हो गया था दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब शॉपिंग इज़ रियली इन्जॉयबल एंड असेंबलिंग ऑल दिस इज़ रियली हेक्टिक बट आई इन्जॉय डूइंग ऑल दिस वर्क तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट कॉज हैप्पीनेस इज़ कुकिंग